दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 11 फरवरी के दिन आप सभी को दर्शन कराने के लिए मैं हर की पैड़ी में पहुंच चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको हरिद्वार के हर की पैड़ी से रविवार के जो ताज़ा दृश्य हैं वो दिखाएंगे, माँ गंगे के दर्शन कराएंगे। तो हमारे साथ जुड़ जाएं और आप सभी को अच्छे से दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं मुख्य घाट की ओर और वहाँ पर देखते हैं आज रविवार के दिन कितने श्रद्धालु हर की पैड़ी में मौजूद हैं, कितने लोग आए हुए हैं। आज मौसम के बारे में भी बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा की जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ धनुष पुल के पास जो बड़ी धारा है, और यहाँ से आप सभी माँ गंगे के दर्शन कर सकते हैं। और अभी हम कुछ ही देर में ब्रह्मकुंड घाट की ओर चलेंगे, जो हर की पैड़ी और हरिद्वार के मुख्य घाट हैं, वहाँ से अच्छे से दर्शन कराएंगे। दोस्तों आज की वीडियो को आप सभी को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। रविवार का दिन है, आप सभी के पास समय भी होगा, तो आप लोग लास्ट तक देखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करना तो बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के माध्यम से और लोग भी हरिद्वार की जो सुंदर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दूसरे लोगों तक पहुंचने चाहिए, वो लोग भी दर्शन कर सकें। ये देखिए गंगा जी की लहरों को। जय गंगे माता सभी लोग लिखते जाएं। अब मैं ब्रह्मकुंड घाट की ओर चल रहा हूं। सभी घाटों में आज श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो हमें अच्छी खासी नज़र आ रही है, और ऐसा नहीं है कि कोई घाट खाली हो। आने वाले दिन में अगर आप लोग बसंत पंचमी पर हरिद्वार गंगा स्नान पर आना चाहते हैं और किसी तरह कोई सहायता की ज़रूरत है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी जो है मुकेश हेल्प नाम से है, आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आइए घंटाघर घाट के दूसरी साइड बड़ी धारा के दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप दर्शन करें। आज के दिन भी गंगा जल जो है हमें कम नज़र आ रहा है, लेकिन इससे पहले देखा गया था वो तो और भी कम था, उससे थोड़ी सी बढ़ा है, लेकिन फिर भी कम है। दोस्तों अब मैं आपको ब्रह्मकुंड घाट के दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं सामने जो दृश्य आपको नज़र आ रहे हैं, यही है हरिद्वार का सबसे मुख्य घाट। थोड़ा सा जूम करके आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं। ये देखिए आप सभी दर्शन करें। ये जो मंदिर है ये काफ़ी मुख्य मंदिर है, जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचते हैं, हर की पैड़ी आते हैं, पहले गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके बाद इस मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, मुख्य मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और इस तरफ देख सकते हैं ये है घंटाघर घाट। जय, आप सभी लोग भी बोलते जाएं जय गंगे माता। अब मैं गंगा जल के काफी पास आ चुका हूं और यहां से देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों अब मैं आपको लेकर मालवी घाट की ओर चल रहा हूं। आपने ब्रह्मकुंड घाट को देखा, वहां पर भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। और ये है बिरला टावर, जिसे घंटाघर टावर भी कहते हैं, पहचान है हर की पैड़ी की। आप जब भी ग्रुप में आए, आपके साथ बहुत सारे लोग हो, तो इस टावर को याद रखें। किसी से भी अगर बिछड़ जाते हैं तो उसे यही बताएं कि घंटाघर टावर के नीचे आ जाएं, यहीं पर आकर मिल सकते हैं। ये है मालवीय घाट। हर की पैड़ी के जो पांच मुख्य घाट हैं उनमें मालवीय घाट है, महिला घाट है, ब्रह्मकुंड घाट है, घंटाघर घाट है, अस्थि प्रवाह घाट है। ये जो पांच घाट हैं ये हर की पैड़ी के सबसे मुख्य घाट है। अपने
आइए मालवी घाट और महिला घाट के मध्य में जो धारा है वहाँ के दर्शन कराते हैं। आप सभी 11 फरवरी के दिन रविवार के दिन हरिद्वार के ताज़ा दर्शन कर रहे हैं। ये वीडियो जो है ये लगभग 12 बजे के आसपास के आप दृश्य देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है, दर्शन करके आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं। आपके शेयर करने से ही दूसरे लोग दर्शन कर पाएंगे। आइए आपको माँ गंगे के दर्शन कराते हैं। बीच धारा में एक बहुत ही सुंदर माँ गंगे की प्रतिमा है, वहाँ से दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों अब मैं बड़ी धारा की ओर आ चुका हूँ और यहाँ पर माँ गंगे की एक सुंदर सी प्रतिमा है, आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, आप सभी दर्शन करते जाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। सभी लोग प्लीज़ जल्दी जल्दी शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ के दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही मनमोहक दृश्य है ये आपके सामने है। एक तरफ पुल में खड़े श्रद्धालु, नीचे गंगा जी की धारा और यहाँ पर स्नान चल रहा है। आजकल धूप अच्छी खासी निकल रही है और दिन में तो कई बार गर्मी का एहसास भी हो जाता है। जैसे कि अभी 12:30 बज रहे हैं, लगभग 12:15 का समय होगा और धूप में अगर खड़े रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा, आपको अगर आपने कपड़े ज़्यादा पहन रखे हैं तो कपड़े निकालने का मन करेगा क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होने लगी है। सुबह शाम तो अभी ठंड हो रही है और काफ़ी ठंड हो रही है, लेकिन दिन में अच्छा है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आइए पुल पर खड़े होकर आपको चारों ओर के दृश्य दिखाते हैं। देखिए पुल पर खड़े होकर चारों ओर के जो सुंदर दृश्य हैं आप लोग देखते जाएं। आप लोग हमारा जो मेन चैनल है मुकेश हेल्प, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखें। जैसे यहाँ पर लगातार हरिद्वार के दर्शन करते हैं, वहाँ पर उत्तराखंड यात्रा की सभी जरूरी जानकारी दी जाती है, तो आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियो जो हैं बाहर की देखने को मिलेंगी, उत्तराखंड यात्रा की, ऋषिकेश की और उत्तराखंड के धार्मिक प्लेस, वहाँ की बहुत सारी वीडियो हमने वहाँ पर अपलोड कर रखी है। आज की वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। उम्मीद करेंगे आपने अच्छे से दर्शन कर लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि लगातार हरिद्वार की वीडियो आप लोग देखते रहें। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम।